नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है आकाश और मेरा भी नाम है आकाश। दोस्तों तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 फैंटेसी मूवीज की लिस्ट के बारे में। और दोस्तों इस लिस्ट में बताई गई जितनी भी मूवीज के नाम होंगे, ये सारी मूवीज मैंने IMDB के रेटिंग के अकॉर्डिंग ही इन मूवी को रैंक किया है। तो अपने दिल पे बात मत रखना कि नंबर 1 की मूवी को नंबर 10 पे होना चाहिए था या नंबर 10 की मूवी को नंबर 1 पे। ये सारी रैंकिंग IMDB के रेटिंग के अकॉर्डिंग ही हुई है। आइए दोस्तों बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं टॉप 10 फैंटेसी मूवीज की लिस्ट। नंबर 10 पे आती है जॉन कार्टर। दोस्तों ये ऐसी मूवी है कि मुझे भी आज तक समझ ज़्यादा नहीं आया कि ये मूवी फ्लॉप क्यों हुई है। आपके हिसाब से ये मूवी क्यों फ्लॉप हुई है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये मूवी काफ़ी अच्छी है। भले ही आप इस मूवी के CGI या VFX की बात करें या फिर इस मूवी की स्टोरी के बारे में। दोस्तों मेरे हिसाब से इस मूवी का फ्लॉप होने का कारण ये था कि ये अभी तक की बनाई गई 7वीं ऐसी फिल्म है जिसको बनने में बहुत ज़्यादा पैसे लगे हैं, और यही कारण है कि अपने बजट के हिसाब से ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाई, तो इसी वजह से इस मूवी को फ्लॉप कहा जाने लगा। पर मेरे हिसाब से मूवी काफ़ी अच्छी है। इस मूवी की डिटेल दोस्तों कुछ इस तरह से है कि इस मूवी को रिलीज किया गया था सन 2012 में। इस मूवी का जॉनर है फैंटेसी एंड साइंस फिक्शन। 2 घंटे 19 मिनट की ये मूवी है। IMDB ने इस मूवी को 10 में से 6.6 की रेटिंग दी है। वहीं गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 100 में से 91% की रेटिंग गूगल के अंदर दी है। इस मूवी का फीचर्स होंगे जॉन कार्टर ऑफ मार्स, और इस मूवी के अंदर आपको लैन कोलिन, सेलर किल्स और विलियम डिफॉय के साथ और भी बहुत से अच्छे एक्टर देखने को नजर आ जाएंगे। दूसरों से अलग है हम, ताकतवर क्यों है क्योंकि हम कमजोरी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और नंबर 9 पे आती है द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, द लायन, द विच एंड द वार्डरोबे। इस मूवी को सन 2005 में रिलीज किया गया था। इस मूवी का जोनर है फैंटेसी एंड एडवेंचर। 2 घंटे 30 मिनट की इस मूवी को IMDB ने 10 में से 6.9 की रेटिंग दी है। वहीं गूगल यूजर्स ने 100 में से 95% के लाइक इस मूवी को गूगल के अंदर दिए हैं। इस मूवी का फीचर्स होंगे वंडर काइंड, और इस मूवी के अंदर आपको जॉर्जी हैनली, विलियम मोल्सी और एना पीपलवेल देखने को नजर आ जाएंगे। क्या तुम हो? मुझे फिक्र हो रही थी, अगर मुझे पता चला कि तुम फिर बैचलर के साथ गए हो तो मैं। ये तो बैचलर नहीं है। और अगले नंबर पे आते हैं स्टार वॉर्स द लास्ट जेडाई। इस मूवी को सन 2017 में रिलीज किया गया था। इस मूवी का जोनरा है फैंटेसी एंड साइंस फिक्शन। 2 घंटे 33 मिनट की इस मूवी को IMDB ने 10 में से 7.2 की रेटिंग दी है, और गूगल यूजर्स ने 100 में से 71% की रेटिंग इस मूवी को दी है। इस मूवी के अंदर आपको डेजी रेडली, मार्क हैमिल और जॉन बोएगा देखने को नजर आ जाएंगे। जो सोचा है वो बिल्कुल नहीं होने। और अगले नंबर पे आती है दोस्तों मेरी पर्सनली फेवरेट मूवी जिसका नाम है एक्वामैन। इस मूवी को सन 2018 में रिलीज किया गया था। इस मूवी का जोनर है फैंटेसी एंड साइंस फिक्शन। 2 घंटे 22 मिनट की इस मूवी को IMDB ने 10 में से 7.4 की रेटिंग दी है। वहीं गूगल यूजर्स ने 100 में से 94% की रेटिंग इस मूवी को दी है। 14 दिसंबर 2018 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया था, और इस मूवी के अंदर आपको जेसन मोमोया, एम्बर हर्ड और पैट्रिक विल्सन के साथ और भी बहुत से अच्छे एक्टर देखने को नजर आ जाएंगे। इसको बोलते हैं एक्शन। और अब बात करते हैं ऐसी मूवीज की कि अगर मैं इस लिस्ट में इस मूवी को नहीं रखूं तो फैंटेसी जोनरे की काफी बेइज्जती होगी, क्योंकि ये मूवी है डॉक्टर स्ट्रेंज। इस मूवी को सन 2016 में रिलीज किया गया था। इस मूवी का जोनरा है फैंटेसी एंड साइंस फिक्शन। 1 घंटे 55 मिनट की इस मूवी को IMDB ने 10 में से 7.5 की रेटिंग दी है, और गूगल यूजर्स ने 100 में से 95% की रेटिंग इस मूवी को दी है। 13 अक्टूबर 2016 को इस मूवी को रिलीज किया गया था, और इस मूवी के अंदर आपको बेनेडिक्ट कंबरबैच, टिल्डा स्विंटन और रेचल मैकएडम्स देखने को नजर आ जाएंगे। मुझे सिखाइए। और अगले नंबर पे आती है स्टारडस्ट। इस मूवी को सन 2007 में रिलीज किया गया था। इस मूवी का जोनर है फैंटेसी एंड रोमांस। 2 घंटे 8 मिनट की इस मूवी को IMDB ने 10 में से 7.7 की रेटिंग दी है। वहीं गूगल यूजर्स ने 100 में से 94% की रेटिंग इस मूवी को दी है। इस मूवी के अंदर आपको चार्ली कॉक्स, क्लेयर डेनस और मिशेल प्रिफर देखने को नजर आ जाएगी। बच्चे मैं तुम्हारी बहुत आभारी, उसका टूटा दिल मेरे किस काम का था।
और अगले नंबर पे आती है दोस्तों ऐसी मूवी जो अभी हाल ही में रिलीज हुई है एक दो दिन पहले। इस मूवी की रिलीजिंग डेट थी 8 फरवरी 2019 और इस मूवी का नाम है अलीटा बैटल एंजल। इस मूवी को मैं सुबह देख के आया था रिलीज डेट पे और काफी अच्छी लगी दोस्तों मुझे ये मूवी। यही कारण है कि इस लिस्ट में इस मूवी का नाम है। इस मूवी का जोनर है फैंटेसी एंड साइंस फिक्शन। 2 घंटे 22 मिनट की इस मूवी को IMDb ने 10 में से 7.6 की रेटिंग दी है और इस मूवी के अंदर आपको रोजा सैलाजार अलीटा का रोल निभाते हुए नजर आ जाएगी और उन्हीं के साथ आपको क्रिस्टोफ वाल्ट्ज और एड शेक्रिन भी देखने को नजर आ जाएंगे। अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा तो मैं आपको यही बोलूंगा कि दोस्तों ये मूवी फोन या लैपटॉप में देखने लायक नहीं है। आप इस मूवी का सबसे ज्यादा मजा IMAX 3D या फिर 3D मूवी में ही उठा पाएंगे। 3D मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है इस मूवी की, तो आप जाके इसको हॉल में देखिए अगर आपका मन है। तो नहीं है तो फिर आप लैपटॉप या फोन में भी देख सकते हैं, कोई इतनी बुरी बात नहीं है। बट अगर आपको इस मूवी का पूरा मजा लेना है तो आपको ये मूवी हॉल में ही देखनी चाहिए। तुम जरा पीछे खड़े रहोगे? और अगले नंबर पे आती है अभी तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी जिसका नाम है अवतार। इस मूवी को सन 2009 में रिलीज किया गया था। इस मूवी का जोनर है फैंटेसी एंड साइंस फिक्शन। 2 घंटे 42 मिनट की इस मूवी को IMDb ने 10 में से 7.8 की रेटिंग दी है और गूगल यूजर्स ने 100 में से 90% की रेटिंग इस मूवी को दी है। इस मूवी का फीचर्स होंगे ICU और इस मूवी के अंदर आपको जॉय सैलेडना, सैम वर्थिंगटन और स्टेफन लैंग के साथ और भी बहुत से अच्छे एक्टर देखने को नजर आ जाएंगे। और नंबर 2 पे आती है द होबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी। इस मूवी को सन 2012 में रिलीज किया गया था। इस मूवी का जोनर है फैंटेसी एंड एडवेंचर। 3 घंटे 2 मिनट की इस मूवी को IMDb ने 10 में से 7.9 की रेटिंग दी है और वहीं गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 100 में से 94% की रेटिंग इस मूवी को दी है। इस मूवी की रिलीजिंग डेट थी इंडिया के अंदर 14 दिसंबर 2012। इस फिल्म के डायरेक्टर है पीटर जैक्सन। इस मूवी का बजट था 18 करोड़ USD। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 102.1 करोड़ USD की कमाई की है। इस मूवी के अंदर आपको मार्टिन फ्रीमैन, रिचर्ड एडमिटन और इयान मैकेलन देखने को नजर आ जाएंगे। और नंबर 1 पे आती है लाइफ ऑफ पाई। इस मूवी को सन 2012 में रिलीज किया गया था। इस मूवी का जोनर है फैंटेसी एंड ड्रामा। 2 घंटे 7 मिनट की इस मूवी को IMDb ने 10 में से 7.9 की रेटिंग दी है। वहीं गूगल यूजर्स ने 100 में से 94% की रेटिंग इस मूवी को दी है। इस मूवी के डायरेक्टर थे एंग ली और इस मूवी के अंदर आपको सूरज शर्मा, रेफ स्पैल और इरफान खान के साथ और भी बहुत से अच्छे एक्टर देखने को नजर आ जाएंगे। दोस्तों तो यही थी टॉप 10 फैंटेसी मूवीज की लिस्ट। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, साइड वाला बेल आइकन भी दबा देना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको पता चल जाए, वरना मैं वीडियो डालूंगा और आपको पता भी नहीं चलेगी। एंड फाइनली मैं थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।